शुक्ला, आई वेलकम यू ऑल अगेन अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म फन अकेडमी। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है, उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो एज माई नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। और आप सभी बच्चे लोग को के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट और पेपर वन के लिए मैं आप सभी बच्चों को टीच कर रहा हूँ। और आप सभी स्टूडेंट्स इस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और फ्री क्लासेस के लिए अनलॉक भी कर सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके। सो आप सभी बच्चे एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं जो कि है अनअकैडमी, और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग जुड़ सकते हैं। जी 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 ये सभी बच्चों की कॉमर्स की क्लास होने जा रही है, तो आप सभी स्टूडेंट्स जरूर ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग ज्वाइन कर लेंगे क्लासेस को। और आप सभी बच्चे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ ही कुछ टॉप सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास प्लस के कोर्सेस और आइकॉनिक के कोर्सेस अवेलेबल है जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस के सारे कोर्सेज के साथ आपको स्टडी प्लानर, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस, कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस आपको और पर्सनल गाइडेंस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। और अब बात करें नेक्स्ट, तो आपके पास प्लस आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, तो आप अगर प्लस का कोर्स ले रहे हैं तो आपको अभी 101 कोड का इस्तेमाल करना है। चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं तभी आप अभी 101 का कोड इस्तेमाल करेंगे, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये प्लस और आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट्स हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। साथियों, आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा प्लस और आइकॉनिक के जो बेनिफिट्स हैं वो चार बेनिफिट्स ये जो कि आपको प्लस में मिलने वाले हैं, जो यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके ये चार बेनिफिट्स के टिक, और आइकॉनिक में इन चार चीजों के साथ आपको अदर बेनिफिट्स ये भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके लिए जुड़ सकते हैं। और आप सभी बच्चों के लिए कॉम्बो बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं, और ये कुछ आपके टॉप बैचेस 27 अक्टूबर से लॉन्च हुए हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत ही बढ़िया चांस है कि अनअकैडमी चैंपियनशिप टेस्ट हो रहा है इकोनॉमिक्स के लिए जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, और आप एनटीयूजीसी नेट के लिए एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया रिविजन होने वाला है जो भी बच्चे इस अटेम्प्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं है ना। तो आप इनके लिए जरूर से जरूर एनरोल करेगा इस, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं एनरोल करेंगे। और किस क्या एनरोल करने के लिए कौन सा कोड लगाएंगे? अभी 101। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर साइंस का भी आप लोगों के लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, और इसके बाद अनअकैडमी चैंपियनशिप टेस्ट कॉमर्स के लिए भी है, तो 14 नवंबर से। सो गाइस ध्यान रखिए, ये फाइनल रिवीजन होने जा रहा है, तो फाइनल रिवीजन में आपको अपने कदम पूरे बढ़ा कर रखने। ज्योग्राफी के लिए भी है, तो ये सारे इतने टॉप सब्जेक्ट जिनका पेपर 2 ये सब आ गया है, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो उनके पास बहुत ही सही मौका है इस टाइम अपने आप को दिखाने का, अपने आप को कुछ बनाने का। तो वो मौका आप लोग ना गंवाएं। आपके पास ये 6 मंथ्स का अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 1 मंथ का ये भी फ्री मिल रहा है, और अगर 24 मंथ्स का लेते हैं तो 3 मंथ्स का भी बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो ये आपके पास ऑफर अवेलेबल है जो कि 15th to 17th of November तक अवेलेबल है। तो सभी लोग बच्चे जल्दी से जल्दी फटाफट इसको अवेल कर ले अभी 101 कोड का इस्तेमाल करके। बक्स बाउंटी अवेलेबल है जहाँ पे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर देन आप क्लेम कर सकते हैं प्राइज के लिए, ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है। ठीक है साथियों, और बात करें अगर नेक्स्ट, तो आपके पास फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लर्नर्स के लिए पोल ऑफ एंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कोई क्लास इसलिए मिस नहीं करनी है, और डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं एक क्लास को। चलिए
विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इश्यू रिलेटिंग टू अ गोल सेटिंग थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? जब आप कोई गोल सेट करते हैं, एक गोल बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ थ्योरीज को अपडेट करते हैं कि इस थ्योरी के हिसाब से अपने हम गोल को अचीव कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि गोल थ्योरी के ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो इनमें से मैच नहीं करता है, जो जेन्युइन नहीं है गोल थ्योरी के अपने गोल को अचीव करने के लिए? तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर, और आंसर सभी बच्चे लोग करेंगे जितने बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप लोग कोई कोई बच्चे होते हैं पहली बार क्लास को ज्वाइन करते हैं या फिर ज्वाइन करते सोचते हैं थोड़ा सा दिक्कत ना हो जाए सर, गलत ना हो जाए आंसर, तो या फिर किसी प्रकार का इश्यू कर देते हैं कि। लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊं, गलत अगर आप अभी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में सही आपको मिलेगा, तो इसलिए अभी गलत कर रहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आपको आगे बहुत सारा फायदा भी तो मिलेगा। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्विटी अमंग वर्कर्स, गोल स्पेसिफिसिटी, फीडबैक, डिफाइनिंग द गोल, दीज आर ऑल द इश्यू विच रिलेटेड टू द गोल सेटिंग थ्योरी, बट क्या नहीं, इक्विटी अमंग वर्कर्स, ठीक है, ये आपके बीच में वो नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर फीडबैक आना बड़ा जरूरी है, ठीक है। चलिए, बिहेवियर, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, सेंट्रल एरियाज ऑफ द स्टडी फॉर सोशियोलॉजिस्ट के लिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, सोशल साइकोलॉजिस्ट के लिए या ऑपरेशंस एनालिस्ट के लिए, व्यवहार, शक्ति और संघर्ष दोनों के अध्ययन में केंद्र क्षेत्र क्या क्या है, किसके लिए है, सॉरी, ये मतलब अगर सेंट्रल आपके स्टडी के लिए, स्टडी फॉर सेंट्रल एरिया माने जाए तो किस चीज के लिए, सोशियोलॉजिस्ट के लिए, हेलो हाय आप सभी बच्चों को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, सोशल साइकोलॉजिस्ट के लिए जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, या फिर ऑपरेशंस एनालिस्ट के लिए जो संचालक कर रहे हैं, संचालक जो होते हैं उनके विश्लेषक के लिए। तो बताएंगे फटाफट आंसर क्या होगा आप सभी बच्चे लोग, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हुए हैं, कम ऑन डू फास्ट आंसर, डू फास्ट फटाफट। कहते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका पावर कैसी है, मतलब किस तरीके का पावर है आपके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट कितना आप कर रहे हैं, तो ये आपका किसके अंदर आता है, कौन सी स्टडी के अंदर, तो सोशियोलॉजिस्ट के अंदर, ठीक है ठीक है, किसमें आपका, सोशियोलॉजिस्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर आप सभी बच्चों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। व्हेन अ बैंक रॉबर पॉइंट्स अ गन एट अ बैंक एम्प्लॉय, हिज बेस ऑफ पावर इज कॉसिव, पुनिटिव, पोजिशनल या अथॉरिटेटिव। जब कोई बैंक लुटेरा किसी बैंक कर्मचारी पर बंदूक तानता है तो उसकी शक्ति का आधार क्या है, उसकी शक्ति का आधार क्या है, बलपूर्वक है, प्यूनिटिव है, पोजिशनल है या अथॉरिटेटिव है, तो फटाफट बताएंगे क्या है। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर बच्चों, फटाफट आंसर दीजिए। हिंदी वालों को उम्मीद करता हूं सभी को बढ़िया से दिख रहा होगा। चलिए, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, कोजिव आपका बलपूर्वक कार्य उसका होता है, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी चीज लूटने का काम कौन कर सकता है, कोई मतलब ऐसे तो जाके कर नहीं सकता कोई भी, कि जो गया और करके चला है, तो है ना, तो कौन करता है आपका, बलपूर्वक, जो आदमी जिनके पास क्या पावर है, बलपूर्वक के टाइप का कुछ वो है।
मैनेजर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी आर लोकेटेड इन फ्रांस, इंडिया, ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, विच डिसीजन मेकिंग टेक्निक सीम्स मोस्ट रीजनेबल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रबंधक फ्रांस, भारत, ब्राजील, संयुक्त अमेरिका में स्थित हैं, इस संगठन के लिए कौन सी निर्णय लेने की तकनीक सबसे उचित लगती है? पोस्टल सर्विस इंटरेक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, नॉमिनल डिस्कशन या इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग? चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों भाई? फ्रांस में है कोई, कोई इंडिया में है, कोई ब्राजील में है, कोई यूनाइटेड स्टेट में है, तो भैया क्या करेंगे? अभी आप ये सोचिए, जब आपकी मीटिंग होती है, सॉरी, जब आपको किसी भी प्रकार का भी, जैसे कोरोना चल रहा है तो किसी प्रकार का अगर मीटिंग कर रहे थे, तो हमारे मोदी जी कैसे कर रहे थे? वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, अपना एक जगह बैठ के, और आपके अदर स्टेट्स के साथ जो भी, मतलब अदर स्टेट्स के जो भी वो है मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ बैठ के आराम से वैसे मीटिंग कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि सबसे जाके मिल के ऐसे मीटिंग कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था उस टाइम। अभी तो कर लेते हैं, उस टाइम तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तरीके का आप ऐसे बोलो, वर्चुअल मीटिंग कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग या डिजिटल मीटिंग, कुछ भी ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। व्हाट वी कॉल इट व्हेन वी जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन? जब हम किसी को अपनी धारणा के आधार पर अंक आंकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइपिंग, कैटेगराइजिंग, हेलो इफेक्ट या फिर प्रोटोटाइपिंग? जब हम किसी को, मतलब किसी को भी जज करते हैं उसके धारणा के, मतलब किसी, हर एक लोगों की अपनी अपनी परसेप्शंस होते हैं, अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, सोच होती है उनकी, है ना, विचार होते हैं। तो जब हम उनको, उस विचार, उनके सोच, उनके धारणा, उनके व्यवहार पर उनको अगर हम आंक लेते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा होगा, कोई भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप्स पर्सन, कैटेगराइजिंग, हेलो इफेक्ट या प्रोटोटाइपिंग? चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, और आपके पास सिर्फ 2 सेकंड्स बचे हुए हैं। डू फास्ट आंसर, कम ऑन गाइस, फटाफट, कम ऑन। सो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टीरियोटाइप्स पर्सन उनको बोलते हैं, ठीक है, उनको स्टीरियोटाइप्स पर्सन बोलते हैं। कैसे टाइप के? स्टीरियोटाइप्स पर्सन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को, ठीक है, रूढ़िबद्धता, ठीक है। क्या बोलते हैं? रूढ़िबद्धता, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स पर्सन। जब उनके हम धारणा के, उनके आधार पर उनको हम मानते हैं या फिर कुछ भी सोचते हैं उनके बारे में, ठीक है। चलिए अब आपका होता है, शोभा इज एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। एक शोभा एक बच्ची है और जो कि बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सीधे बात करने वाले में से है, ठीक है, सीधी शादी कह लो या फिर सीधी बात करने वाले में से इंसान है। और शी बिलीव्स हर एम्प्लॉइज आर ऑल सिमिलरली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो इसको विश्वास भी करती है कि जैसे मैं हूं वैसे सभी लोग होंगे। इग्नोरिंग साइंस दैट दे मे बी मैनिपुलेटिंग हर, उन साइंस को वो मैनिपुलेट करती है, जो भी किसी प्रकार का वो भी जो अगर मतलब देखते हो तो उसको इग्नोर कर देती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ, हाँ, इसको मैनिपुलेट कर रहा है तो उसको इग्नोर कर देती है, ठीक है। व्हाट परसेप्शनल, परसेप्चुअल कह सकते हैं, शॉर्टकट इज शोभा मोस्ट लाइकली यूजिंग? कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग या प्रोजेक्शन? तो फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है, तो फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। सभी स्टूडेंट्स, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रक्षेपण, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रक्षेपण, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। सतीश हैज अ लो एब्सेंटिज्म रेट। सतीश सबसे ऐसा बंदा है जो कि बहुत कम एब्सेंट करता है जहां पे वो जॉब करता है। ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज हेल्थ एंड हैज अ गुड हेल्थ हैबिट्स। वो अपनी सारी जिम्मेदारी लेता है हेल्थ के लिए, मतलब जो भी जिम्मेदारी है वो अपनी हेल्थ के लिए जिम्मेदार है।
और एक अच्छा खासा हेल्थ भी है उसका। सो ही इज लाइकली टू हैव एन इंटरनल लोकस ऑन कंट्रोल। हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण का आंतरिक लोकस है उसका अच्छा खासा, या एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल उसका बहुत अच्छा है, या फिर कोर लोकस ऑफ कंट्रोल नियंत्रण का मुख्य ठिकाना वही है जहाँ वो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, हाई इमोशनल स्टेबिलिटी लेवल या उस इंसान का उच्च भावनात्मक स्थिरता स्तर ज्यादा है। तो फटाफट बताएंगे क्या आंसर आपका उसका सही हो जाएगा। सतीश इज लो एब्सेंटीज़म रेट, ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज हेल्थ एंड हैज अ गुड हेल्थ हैबिट्स। चलिए तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो बहुत इतना भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सी बात है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि अपना वो कंट्रोल किससे, क्या खुद से। आपको कोई कितना भी गाइड कर दे, कितना भी गाइड कर दे ये खाना मत खाओ, ऐसे मत कर, ये हेल्थ का हेल्थ इससे खराब होती है, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, ऑयली होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। बट इफ यू डू नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, वेन यू सी मतलब समोसा इन आउटसाइड, और यू कैन से चिली पटेटो और इन और एनीथिंग, सो वॉट यू डू, आज खा लेता हूँ, आज लास्ट है मेरा, इसके बाद कभी नहीं खाऊंगा या कभी नहीं खाऊंगी, आज लास्ट मतलब आज लास्ट है, फिर इसके बाद कभी भी नहीं खाने वाला मैं। बट ऐसा नहीं होता, मैं भी बहुत कंट्रोल करता हूँ, मतलब मैं तो हालांकि वैसे भी नहीं खाता, लेकिन फिर भी बहुत कंट्रोल करता हूँ, अगर कभी भी बाहर हुआ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन वो लास्ट ही होता है ना, और जितनी बार जाता है उतनी बार लास्ट होता है वो, तो ये सबके साथ ऐसा होता है। बट एक्चुअली ही हैज इंटरनल लोकस ऑन कंट्रोल, दैट इज वाई ही इज डूइंग लाइक दैट, की इज रिस्पॉन्सिबल टोटली, आई वुड नॉट डू लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच विल मेक सम हार्मफुल फॉर माई हेल्थ। तो ये हम नहीं करते हैं फिर इस चीज को, है ना, कि हम की बात मतलब कह रहा हूँ, सतीश की बात कर रहा हूँ मैं, हम तो कर ही देते हैं, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से लगा देते हैं, अरे आज लास्ट करते हैं, अरे यार आज खा लेते हैं, इसके बाद कभी नहीं खाएंगे, या आप दोस्तों के साथ लग जाएंगे या फिर कुछ भी, डॉक्टर ने जितना मना किया हो कोई दिक्कत नहीं, उसमें डॉक्टर की बात ऐसे लगती है कि अरे यार चलो ठीक है, खा लेंगे खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और जब डॉक्टर इलाज कर रहा था तब उस टाइम हमें ये लगता है अच्छा ठीक है अब जिंदगी में नहीं खाएंगे कभी, डॉक्टर साहब ने कहा हाँ हाँ डॉक्टर साहब मैं तो नहीं खाता बस, और अब ये लास्ट था अब नहीं खाऊंगा, तो ये चीज होता है नॉर्मली ऐसा भी। ठीक है तो सेवंथ का ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। राजू का मानना है कि पुरुष मौखिक प्रस्तुतियों में महिलाओं तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, इस मामले को किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया गया है। राजू बिलीव्स दैट मैन परफॉर्म बेटर इन ओरल प्रेजेंटेशंस दैट वुमेन देन वुमेन, व्हाट शॉर्टकट हैज बीन यूज्ड इन दिस केस, द हेलो इफेक्ट, द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, या प्रोजेक्शन, या स्टीरियोटाइपिंग। तो फटाफट आंसर करेंगे। राजू का मानना है कि पुरुष मौखिक प्रस्तुतियों में महिलाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, इस मामले से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया गया है, फटाफट बताएंगे। चलिए फटाफट सारे स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा आंसर आपके। चलिए डी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी, परफेक्टली। ठीक है डी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग प्रोसेस। ठीक है डी आपका बिल्कुल रूढ़िबद्धता आपके बिल्कुल सही आंसर, तो परफॉर्म बेटर इन ओरल प्रेजेंटेशन देन वुमेन, व्हाट शॉर्टकट हैज बीन यूज्ड इन दिस केस, स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है उसको ऐसा भरोसा हो रहा है। ठीक है चलिए, मतलब दूसरे को छोटा दिखा रहा है ना वो। ठीक है मिस्टर मनोज मैनेजर एबीसी कंपनी के हैं, ठीक है मनोज शर्मा जी हैं और एबीसी कंपनी के मैनेजर हैं अच्छे खासे। दैट स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड मशीनरी यूज्ड बाय देम एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट आर ऑब्सोलीट विद इन अ ईयर, विच टाइप ऑफ चैलेंज एबीसी कंपनी इज फेसिंग, हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, रैपिड पेस ऑफ चेंज, या मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। सो द व्हाट द एक्चुअली कंपनी इज, थिंकिंग अबाउट दैट। सर एक बार ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है बिल्कुल क्यों नहीं कर देंगे भाई, हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि मनोज एबीसी कंपनी के मैनेजर है और वर्कर्स दैट स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड मशीनरी यूज्ड बाय देम कंपेयर्ड टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट आर ऑब्सोलीट विद,
वो उस जिस कंपनी के मैनेजर वहां से जो भी वर्कर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है, जो भी मशीन्स हैं या फिर जिस भी प्रकार के कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, वो 1 साल के अंदर अंदर पुराने हो जाते हैं। एज पर कंपेयर कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में वो पुराने हो गए हैं, आप ये कह सकते हैं। विच टाइप ऑफ चैलेंज एबीसी कंपनी इज फेसिंग, किस तरीके का चैलेंज एबीसी कंपनी को फेस करने को मिलेगा, हाई क्वालिटी का चैलेंज या लो क्वालिटी का, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर प्रकार का, उनको वैश्वीकरण में या संस्कृति में किसी प्रकार का मतलब दिक्कत देखने को मिलेगा, या रैपिड पेस ऑफ चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो या फिर आपका मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पे किसी तो किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, जिसके वजह से वो हो सकता है शेयर छोड़ दे कंपनी के, है ना, मतलब वहां से इन्वेस्ट करना छोड़ दे, मतलब पैसा निकाल ले, है ना। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रॉबर्ट कार्ज के अनुसार जब प्रबंधकों के पास जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण और निदान करने की मानसिक क्षमता होती है तो उनके पास कौशल होते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कार्ट्ज, वेन मैनेजर्स हैव द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, दे पोजेस दैट स्किल्स, टेक्निकल, किसी प्रकार के तकनीकी उनको देखने को मिलता है लीडरशिप, नेतृत्व में, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाने के लिए, या फिर कंसेप्चुअल। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, फटाफट आंसर बताएंगे। तो फटाफट आंसर सभी लोग करेंगे बच्चे लोग। चलिए तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट, डी इट इज कंसेप्चुअल, वैचारिक स्किल, जो भी वैचारिक स्किल्स है उसमें वो पोजेस करते हैं, उस चीज का उनके अंदर कौशल होता है। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 8 के सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करना है सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं एक बार भाई। अच्छा ये वाला, अच्छा ये कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन करना है। हेलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों जानते हैं? जब जब आप किसी के प्रति एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, समझिएगा ध्यान से, जब आप किसी के प्रति, ध्यान से समझिए, जब आप किसी के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो वो आपका कहलाता है हेलो इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग, आप किसी को भी गाइड भी कर रहे हो तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, वो बंदा कुछ भी कार्य कर रहा है तो उसको आप पॉजिटिविटी के मायने में ज्यादा आप सोच रहे हो उसके बारे में, तो ये आपका हेलो इफेक्ट होता है, प्रभाव, मंडल प्रभाव। अब कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है, हम एक दूसरे से बिना बात किए हुए मैं उसको जज कर रहा हूं, वो मुझे जज कर रहा है, ये ऐसा सोचता होगा वो वैसा सोचता होगा, तो ये एक तरीके का जो इफेक्ट डालता है वो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। प्रोजेक्शन में हम पहले से ही सोच लेते हैं यार ये ऐसा कर सकता है या ये इस तरीके का वर्क कर रहा होगा, ये ऐसा सोच रहा होगा, वी प्रोजेक्ट समथिंग बिफोर डूइंग समथिंग। ठीक है, वो शायद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो शायद सही है या गलत है, वो हम नहीं देखते हैं, बट ये क्या है, हम प्रोजेक्शन पहले से लगा लेते हैं, तो ये क्या हुआ, प्रोजेक्शन इफेक्ट हुआ। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी को थोड़ा नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाने का कोशिश करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, जब हम किसी को थोड़ा सा अलग मतलब कम दिखा के अपने आप को ज्यादा शो ऑफ करते हैं ना, तो ये क्या है, एक तरीके का आपको स्टीरियोटाइप्स पर्सन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो फिर बताएंगे। चलिए मुझे लगा ये सारी चीजें आपको पता होंगी क्योंकि अब एग्जाम्स आ रहा है, तो मुझे लगा पता होगा ये सारी चीजें आप लोगों को। चलिए, उद्देश्यों के अनुसार प्रबंधन एमबीओ किस प्रकार के लक्ष्यों पर जोर देता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, आई थिंक कल कल क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एम्फेसाइज किस गोल पर,
टेंजिबल, वेरिफिएबल, मेजरेबल, अचीवेबल, कंट्रोलेबल, प्रॉफिटेबल, चैलेंजिंग, इमोशनल, कंस्ट्रक्टिव, हायरार्किकल, अटेनेबल, इफेक्टिव, पदानुक्रमित, प्राप्य और प्रभावी। वाह, सो वॉट सॉर्ट ऑफ गोल्स डज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ एम्फेसाइज। ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, टेंजिबल, वेरिफेबल एंड मेजरेबल। ठीक है, ये तीनों ही चीज आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टेंजिबल भी, वेरिफेबल भी, मेजरेबल भी, मूर्त सत्यापन योग्य और मापने योग्य, ये सारी ही चीजें आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। आज के प्रबंधक समझते हैं कि गुणवत्ता, क्वालिटी एंड उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में सुधार की किसी भी प्रयास की सफलता में डैश शामिल होना चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन का होना बहुत जरूरी है, या मैन्युफैक्चरिंग सिंप्लीफिकेशन, कर्मचारी सॉरी विन निर्माण सरलीकरण। तो फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। टुडेज मैनेजर्स अंडरस्टैंड दैट द सक्सेस ऑफ एनी एफर्ट एट इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी मस्ट इंक्लूड। सो सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल से एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन, कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी बन जाए उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका होता है? एम्प्लॉय का। आवाज आई किसका होता है? एम्प्लॉय का। अगर एम्प्लॉय धरने पे बैठ जाता है तो कंपनी का ये समझिए जय श्री राम है। इसीलिए हमेशा ये इस चीज को नोट करें, लेकिन फिर भी बेचारे परेशान रहते हैं एम्प्लॉयज, क्यों? क्योंकि उनके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अब वो जॉब्स ना अवेलेबल होने के कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, चाहे वो उनके पास वो स्किल नहीं है, चाहे वो उतना मार्केट में डिमांड नहीं है, चाहे वो मतलब जिस तरह की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस जॉब को करने के लिए वो क्वालिफिकेशन नहीं है। सो वो कुछ भी हो सकता है, बट एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के क्वालिटी को और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज और इंप्रूव करने के लिए। अगर ये चाहेगा, अगर एम्प्लॉय चाहेगा तो कंपनी को ऊपर चढ़ा देगा, नहीं चाहेगा तो कंपनी को नीचे गिरा देगा। क्योंकि पूरा कभी मालिक आकर थोड़ी काम करता है उतना ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर। इसलिए कहते हैं एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्लान्स करवाते रहना चाहिए हमेशा उनको मोटिवेशन लेवल से, चाहे वो आपको मोटिवेशन चाहे फाइनेंशियली दे रहे हैं और यू आर गिविंग देम एज अ नॉन फाइनेंशियली, है ना, चाहे आप एक साल में उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं तब भी उनको इस बात की खुशी हो जाती है कि नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लीस्ट लाइकली टू पोज अ बैरियर टू क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सांस्कृतिक संचार में बाधा उत्पन्न करने की कम से कम संभावना होगी? टोन डिफरेंस, वर्ड डिफरेंस सॉरी कनोटेशंस, या फिर पॉलिटिकल करेक्टनेस, या फिर डिफरेंसेस अमंग द परसेप्शंस। तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर।
चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज व्हाट पॉलिटिकल करेक्शंस, ठीक है, पॉलिटिकल करेक्टनेस, सॉरी करेक्शंस नॉट करेक्शंस, इट्स पॉलिटिकल करेक्टनेस। ठीक चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज पॉलिटिकल करेक्टनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी प्रपोज्ड, विच ऑफ द थ्योरी फॉलोइंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाई क्लेटन एल्डरफर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्लेटन एल्डरफर द्वारा प्रस्तावित किया गया है? थ्योरी एक्स, थ्योरी थ्योरी वाई, हायरार्की ऑफ नीड्स, एआरजी थ्योरी, एक्स वाई जेड थ्योरी। चले तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, ई आर जी थ्योरी, ठीक है, ई आर जी थ्योरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? अच्छा ऐसा भी हो सकता है भाई, कितने बच्चे हो कि इसमें डाउट हो भाई ई आर जी थ्योरी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो अगर इसी के अंदर है तो ये क्लेटन अल्डरफर का देना गया था, और इनका ये जो थ्योरी दी गई थी वो थ्योरी इस पर दी गई थी, किसके बिहाफ पे, एग्जिस्टेंस आर फॉर रिलेटिवनेस, जी फॉर ग्रोथ, ई आर जी थ्योरी है, ई आर जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसेप्ट ऑफ एमबीए वॉज इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड बाई, एमबीओ की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? पीटर एफ टकर और मारी पार्कर, हेनरी फ्योल। या फिर फिलिप कोटलर। एमबीओ की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? पीटर एफ ट्रकर, मैरी पार्कर, हेनरी फ्योल या फिर फिलिप कॉटलर। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग, क्या होगा आंसर भाई? आपका आंसर ए, पीटर एफ ट्रकर, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज पीटर एफ ट्रकर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एमबीओ का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस्ड किया मार्केट के अंदर, ठीक है, समझ रहे सभी लोग, ठीक है, और एमबीओ का फुल फॉर्म जानते भी हैं आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स एमबीओ का फुल फॉर्म भी जानते हैं, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे मैनेज करना चीजों को। मिस्टर सुनील वनडे सैलरी वॉज डिडक्टेड बिकॉज ऑफ हिज अनइनफॉर्म्ड लीव, बिकॉज ऑफ यूएल, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएल बोलते हैं, अनइनफॉर्म्ड मतलब विदाउट किसी प्रकार का नोटिस दिए पूछे छुट्टी कर लिए, कौन, सुनील, तो इसलिए उनका सैलरी जो है काट लिया। एज ही वॉज ऑलरेडी वॉर्न अबाउट हिज बिहेवियर, उसको ऑलरेडी इस बात के लिए वॉर्न कर दिया गया था, पहले भी किया होगा भाई, उसने पहले भी किया होगा, दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया बिना बताया, अरे कोई दिक्कत नहीं। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड ऑफ शेपिंग बिहेवियर्स, किस विधि का उदाहरण है बताएंगे तो जरा, रेनफोर्समेंट का, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट।
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज सजा। ठीक है, उसको कौन सी किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, है ना, तो वो एक आएगी सजा की दिक्कत, पनिशमेंट की दिक्कत। तो पनिशमेंट हो सकता है उसकी सैलरी डिडक्ट कर ली जाए या फिर उसको जॉब के लिए वार्निंग दे दी जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। संगठन में राजनीतिक व्यवहार का प्रबंधन करते समय प्रबंधक को हतोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। व्हाइल मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर्स इन ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर रिक्वायर्स डिस्करेजिंग नेगोशिएशन रिलेशनशिप्स सेल्फ इंटरेस्ट या फिर डायलॉग्स। फटाफट बताएंगे किस चीज की मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, नेगोशिएशन रिलेशनशिप सेल्फ इंटरेस्ट या फिर डायलॉग। फटाफट बताएंगे। ठीक चलिए, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, व्हाइल मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर्स इन ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर रिक्वायर्स डिस्करेजिंग, उसको क्या है कि हतोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 का एक बार आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग, और जितने भी बच्चे लोग क्लास ज्वाइन करेंगे सभी लोग लाइक शेयर क्लास को करते जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक शेयर करते जाएंगे। पीपल विद विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट ऑनली सॉरी कॉमनली मेक पुअर डिसीजंस बिकॉज दे मेक देम टू फास्ट। किस प्रकार के व्यक्तित्व लक्षण वाले लोग आमतौर पर खराब निर्णय ले लेते हैं क्योंकि वे उन्हें बहुत तेज कर देते हैं, बहुत फास्ट से फास्टली कर देते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। इस प्रकार टाइप करें, टाइप एज, टाइप बेस्ड, सेल्फ मॉनिटर्स या एक्स्ट्रोवर्ट्स, कैसे टाइप के होते हैं। क्यों भाई नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज टाइप ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स दैट शेप्स पर्सनैलिटी, जेंडर, हाइट, एक्सपीरियंस, अनुभव, ब्रेन साइज, मस्तिष्क का आकार बढ़ा कर देंगे। चलिए बताइए। फटाफट आंसर करेंगे। और जितने बच्चे भी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे सभी लोग
लाइक शेयर करते जाएंगे क्लासेस को। वो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज अनुभव, सॉरी अनुभव, जेंडर नहीं होगा, अनुभव होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस के, अपनी पर्सनैलिटी को जो शेप कर पाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए, फैक्टर्स अदर देन सेटिस्फैक्शन दैट इम्पैक्ट्स वन डिसीजन टू हैव अ करेंट जॉब इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। संतुष्टि के अलावा अन्य कारक जो किसी वर्तमान नौकरी को छोड़ने के निर्णय को प्रभावित करते हैं, उनमें निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं, क्या? लेबर मार्केट कंडीशन, लेंथ ऑफ टेन्योर विद द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजन बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस अबाउट अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज। जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए आंसर हो जाएगा, दैट इज डी विल बी योर राइट आंसर, एक्सपेक्टेशंस अबाउट अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज, दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी साथियों नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। किसी प्रकार का अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे आप सभी स्टूडेंट जो भी बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में, और बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे सारी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आप सभी बच्चे लोग लाइक कर देंगे अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो मतलब, और इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके, और आप परचेज कर रहे हैं तो, अगर नहीं परचेज कर रहे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के लिए अनलॉक कर सकते हैं अभी 101 कोड का इस्तेमाल करके। सो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।